हेलो स्टूडेंट, ये टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड का। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। यहाँ से हम आपको केवल पूरा न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ सॉल्व होती है। मेन होता है कि आप अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसके मेथड बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, आप उसमें कैलकुलेट करते जाओ, इजीली आपको मिल जाएगा। आपको केवल मालूम होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है। तो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि हमको रूट फाइंड करने में हेल्प करता है। रूट का मतलब होता है सपोज डेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स की हम क्या ऐसी वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन में रखा जाए तो हमको जीरो मिल जाए। ठीक है, तो वही फाइंड कर। सपोज मैं एक्स में माइनस टू रख देता हूँ, टू का स्क्वायर माइनस फोर, तभी ये हमको क्या कर देगा, जीरो दे देगा। अगर टू रख देता हूँ टू स्क्वायर माइनस फोर, तभी क्या कर देगा, हमको जीरो दे देगा। मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट करें और वो हमको जीरो दे दे। ठीक है, तो उसी को आप बोलोगे क्या, रूट। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो हमको हेल्प करता है कि अगर एक अननोन वेरिएबल है, यहाँ पर केवल एक अननोन वेरिएबल के लिए ही काम किया जाएगा। ठीक है, एक अननोन वेरिएबल है, उसका रूट फाइंड करना है तो हमको इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड सबसे ज़्यादा इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मतलब इससे रूट फाइंड करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल है, आप लोग के एग्जाम में ये आराम बहुत ही अच्छे, आई थिंक 10 नंबर तक का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बाइसेक्शन मेथड सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट मेथड। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटरवल फाइंड करते हैं, इंटरवल के बेस पे ही हम जो है फाइंड करते हैं कि रूट क्या होगा। तो अभी ना समझ में आ गया कि आपको क्या मतलब रूट क्या होता है और हम जो है रूट कैसे फाइंड करना, वो अभी एक आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है नोट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। या हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, इसमें हमको रूट फाइंड करना है। तो हम पूरा इक्वेशन को ये मान लेते हैं कि ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स है और ठीक है एफ एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमको इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है, रूट कैसे फाइंड करना होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि पहला स्टेप क्या होगा कि इसमें जो है आप पहले x की जगह कुछ वैल्यू पुट करोगे, रैंडम वैल्यू पुट करोगे। जैसे सपोर्ट है मैंने पुट किया, स्टार्ट हमेशा वन से ही करना, ज़्यादा आपको सिंपल पड़ेगा ये, f वन पुट किया, वन पुट करने के बाद हमें चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव, तो ये आपका माइनस फोर देगा। ठीक है, देन f हम पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस फाइव ये आपको जो है देगा माइनस वन। एक मिनट रुकिए जस्ट। ठीक, ये माइनस वन देगा। उसके बाद देखते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। फिर हम f में क्या करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, 3। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस फाइव, तो ये आपको जो दे देगा वो 4 देगा। तो आप एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, माइनस वन के बाद हमको जो है ये पॉजिटिव नंबर मिला है 4। तो आपको एक चीज सिंपल सा है, आप एज्यूम कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ही कोई एक ऐसा नंबर होगा जो नंबर हम इक्वेशन में पुट करें और हमको यहाँ पर जीरो दे देंगे। ठीक है, अब ऐसी बात है, अगर माइनस और प्लस के बीच में ही जीरो हमको लाई करेगा, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और वो हमको जीरो दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मानेंगे कि 2 और 3 हमारा एक इंटरवल हुआ। ठीक है, इंटरवल हुआ, 2 और 3 हमारा इंटरवल हुआ। तो हम एक नंबर साइन कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर क्या था, कहते हैं ए इक्वल टू मान लेते हैं 2 और बी इक्वल टू मान लेते हैं 3। ठीक है, सिंपल है। बस आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ए पे
ए पे आपको जो है नेगेटिव वैल्यू मिली थी, ए पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली थी और बी पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। ये क्यों अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों ध्यान देना जरूरी होगा। अब देखो आपको बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या, बाइसेक्शन जैसे नाम से लग रहा बाइसेक्शन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करो पहले। तो फर्स्ट रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे x1 कैसे फाइंड होगा, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, आई थिंक इसमें कैलकुलेटर के भी काम चल जाएगा, 2.5 ही आएगा, ठीक है 2.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको ये नया रूट फाइंड हो गया 2.5 को हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारा क्या है एफ एक्स, हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये तो हमारा इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद हमारा क्या होगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 5। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए इसको करने के लिए, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू ही करता हूँ इसको, ठीक है 2.5 का स्क्वायर माइनस 5 तो ये आपको मिल जाएगा आपका 1.25 मिलेगा। अब यहाँ पर जो हो गए, यहाँ पर हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, ए पे हमको क्या था नेगेटिव जो वैल्यू आ रही थी, ए पे यहाँ पर ध्यान दोगे ए पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी और यहाँ जो नया रूट मिला है उससे पॉजिटिव आ रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में ही जीरो लाई करेगा। इसका मतलब है कि जब हमको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो नया रूट होगा उसको रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव वाले से, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू मिली तो रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव, तो बी हमारा पॉजिटिव वाला था तो 2.5 रिप्लेस हो जाएगा बी से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ए हमारा 2 ही रहेगा, यहाँ पर ए हमारा 2 रहेगा और बी हमारा जो हो जाएगा वो 2.5, ठीक है। मतलब अगर हमको पॉजिटिव मिलता है वैल्यू सॉल्व करने पे तो रूट जो हमने नया लिया था वो हमको रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिव वाले से, अगर नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट रूट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट रूट फाइंड करने के लिए फिर से क्या करेंगे x2 फाइंड करेंगे। x2 फाइंड करने के क्या करेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो हमारा 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 तो हमारा ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 4.5, यहाँ पर देख लो सिंपल सा 2 प्लस 2.5 करेंगे 4.5 आया, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे 2 से, तो ये हमको मिल गया 2.25, ठीक है ये हमको नया रूट मिल गया, ये नया रूट। अब नया रूट को हम फिर क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करते हैं तो एफ एक्स एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2.25 का स्क्वायर माइनस 5 ये हो जाएगा, तो 2.25 का स्क्वायर करते हैं तो 2.25 का स्क्वायर माइनस 5 तो ये हमको दे देगा, कितना दे रहा है हमको 0.0625, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फिर से हमको एक पॉजिटिव नंबर मिला है, फिर से हमको एक यहाँ पर हमको वैल्यू मिली है पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर मिला, इसका मतलब है फिर से हमको क्या करना पड़ेगा जो रिप्लेस होगा वो वैल्यू वो फिर से पॉजिटिव मतलब बी वाले से रिप्लेस होगा, बी हमको पॉजिटिव था तो हमारा ए एज इट टू बना रहेगा, बी हमारा जो हो जाएगा वो नया रूट हमारा जो था वो हमारा 2.25 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फिर से मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे हम रूट 3 फाइंड करेंगे, ठीक है तो हमारा x3 फाइंड करेंगे x3 में होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसका होगा 2 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2, तो इसका फाइंड करते कितना आपका आता है यहाँ पर 2 प्लस 2.25 प्लस डिवाइड बाई 2 तो ये हमको मिल गया 2.125,
ठीक है, ये हमको नया रूट मिल गया। ठीक है, अब हम नया रूट को फिर से जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए इसको फिर से इक्वेशन में पुट करते हैं हम। फिर से इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम लिखेंगे एफ एक्स 2.125, ठीक है, तो लिखेंगे 2.125 का स्क्वायर माइनस 5। इसका चेक करते हैं इसके वैल्यू कितनी आती है आपकी, आप चेक करो 2.125 का स्क्वायर माइनस 5, तो ये हमको मिल रहा है माइनस में। तो इस बार हमको वैल्यू जो मिल रही है माइनस 4.8437। एटलीस्ट आप 5 डिजिट तक इसमें आंसर लिखोगे, 5 डिजिट तक लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, अब इस बार हमको जो है आपको ये मिल रहा है, तो यहाँ माइनस मिल रहा है। माइनस मिलने का मतलब क्या है कि अब आपको जो रिप्लेसमेंट होगा वो ए वाले से होगा, बी वाले से रिप्लेस नहीं, क्योंकि हमको वैल्यू माइनस मिल रही है। ठीक है, तो ए से हमको माइनस मिल रहा है तो वैल्यू हमको ए वाले से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमको नया रूट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ए इक्वल टू 2.125, और बी जो मिलेगा हमको, बी हमारा रेडी हम फिक्स है, जो लास्ट बार था वही हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये मिल गया हमको। और फिर से अभी इसको इस रूट को नेक्स्ट ये स्टेप को जो आगे करते हैं तो x4 होगा, तो x4 तक हम निकालते हैं तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 2.125 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, नया रूट के लिए टू पॉइंट वन टू फाइव प्लस 2.25, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो नया रूट जो हमको मिला है वो मिला है 2.1875। ठीक है, ये हमको नया रूट मिला है। नया रूट को फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर f 2.1875, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.1875 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2.1875 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, ये हमको मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है वैल्यू माइनस 0.21484। चार डिजिट से लिखिए, उससे ज़्यादा 5 डिजिट से लिखिए, उससे ज़्यादा आपको लिखने जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं 6-7 तक लिख सकते हैं, लेकिन 5 तक भी काम चल जाएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नेश जो आपको माइनस मिलना है, माइनस मिलने का मतलब क्या है, आपको अब जो नेश रूट होगा वो क्या होगा, वो माइनस से रिप्लेस होगा। अभी आप लोग सोच रहे हैं सर किए जा रहे हैं आखिर ख़त्म कब होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी जो ठीक है, मान लो सपोर्टेड नेश रूट हमारा जो हो जाएगा वो ये माइनस मिला, तो अभी से बात है हमको रिप्लेस करना पड़ेगा ए वाले से। तो ए वाले से रिप्लेस कर दे तो ए में हमारा क्या आ जाएगा, वो 2.1875 आ जाएगा, और बी हमारा जो पहले था, क्योंकि हमको इस बार निगेटिव वैल्यू मिली तो बी वाला पहले से वही रहेगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट रूट इस तरह से हम x5 निकालेंगे, x5 वही हो जाएगा हमारा 2.1875 प्लस 2.25 डिवाइड बाय 2, ये हमारा नया रूट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इस तरह से ये चलता रहेगा। अब एक मेन क्वेश्चन आता है, ये कब तक सॉल्व करना है। देखिए आपके एग्जाम में या तो दिया रहेगा कितने नंबर आप इटरेशन तक करना है, मान लो सपोर्टर दिया है 4 इटरेशन तक करना है। 4 मतलब आप जब ये x4 निकाले हैं तो यहीं पर आपको जो वैल्यू आई है वही आप रुक जाना है, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाता। ठीक है, अगर वो ये बोल रहा है कि नहीं हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक चाहिए, या 3 डिजिट या 4 डिजिट चाहिए, जनरली बाइसेक्शन मेथड में ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में अगर 3-4 डिजिट तक बोलते हैं करने के लिए तो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि इससे जो जल्दी रूट फाइंड ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मतलब अगर ये बोला जाए, मान लीजिए 0.3 डिजिट तक या 0.4 डिजिट तक करना है, इसका मतलब है मान लीजिए हमको इस बार लास्ट बार मिला था
1875 ये मिला था। इसका मतलब जब तक आप रूट फाइंड करिए, जब तक ये लास्ट ये डेसिमल के बाद ये थ्री डिजिट सेम ना आने लगे, ठीक है, तब तक आपको रूट फाइंड करना है। ठीक है, जब सेम सेम जब आने लगे तब तक रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आगे के मेथड में देखेंगे, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड होता है उन सब में ये ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे कितने नंबर आप इटरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।